हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रोमन रेंज द बिग डॉग के सर्वाइवर सीरीज के रोल के बारे में। दोस्तों, रोमन रेंज द बिग डॉग ने बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी जब वो शील्ड के मैच में नहीं आ सके। उनको वायरल मेनिनजाइटिस की बीमारी हुई और वो अब रिकवर हो रहे हैं। मंडे को रोमन रेंज, ब्रे वाइट और बो डैलस का मेडिकल टेस्ट होगा और उस टेस्ट के रिपोर्ट्स पर हमें पता चलेगा कि वो कब ठीक होंगे और कब तक आएंगे WWE में। इस मेडिकल रिपोर्ट के बारे में वीडियो सबसे पहले रेसलिंग बादशाह पर आ जाएगा दोस्तों, तो स्टे ट्यून्ड रहिए। अगर रोमन रेंज ठीक होते हैं तो वो पार्ट ले सकेंगे सर्वाइवर सीरीज में और उनका रोल होगा कि वो कैप्टन होंगे टीम रॉ के। यार, ये तो सीधी सी बात है कि रॉ को ऐसा ही कैप्टन चाहिए ताकि उनको आसानी से जीत मिले स्मैकडाउन पर। और रॉ टीम में और बड़े स्टार्स डालने के लिए WWE केन और ब्रॉन स्ट्रोमैन को भी रॉ टीम में डाल सकते हैं। इसके बहुत कम चांसेस है क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस केन की मैच रूमर्ड है सर्वाइवर सीरीज के लिए, पर अगर विंस मैकमैन चाहेंगे तो वो उनकी मैच रॉ में करा कर उन दोनों को रॉ टीम में डाल देंगे। फिर ये रॉ टीम एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। स्मैकडाउन लाइव के टीम के कैप्टन तो हो गए हैं रैंडी ऑर्टन। अब रॉ टीम के कैप्टन हो सकते हैं रोमन रेंज अगर वो ठीक होते हैं, पर अगर वो ठीक नहीं होते तो कर्ट एंगल हो सकते हैं टीम रॉ के कैप्टन। सर्वाइवर सीरीज के बाद रोमन रेंज की राइवलरी किससे होगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस टैग टीम के लिए फाइट करेंगे और WWE रोमन रेंज की राइवलरी ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ हजारवीं बार तो रखेगी नहीं। इसलिए शायद वो रोमन रेंज की राइवलरी मिस के साथ कर सकते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, और हो भी सकता है कि रोमन रेंज जीत जाए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो दोस्तों, आप बस प्रे करना कि रोमन रेंज के रिपोर्ट्स अच्छे आए और वो क्लियर हो जाए WWE में आने के लिए। सो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।